पानी देख लिया, पानी पी लेता हूँ. मैं बताऊँगा आज अपनी स्किन केयर जर्नी के बारे में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड. हमेशा से ये नहीं था. मतलब देखो, सच बोले तो हमेशा से ये नहीं था, बेटर था जब मैं छोटा था. अभी स्किन जेनेटिक्स के मामले में आई वॉज ब्लेस्ड, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते. जेनेटिक्स का रोल काफ़ी अच्छा रहा है स्किन के उसमें. लेकिन फिर मैं डायरेक्टली, मतलब जब भी मेरी स्किन अच्छी थी ना, जब भी कोई चीज़ हम पे होती है ना, तो हमको उसकी ऐसे कोई कदर नहीं होती है. तो फिर ऐसे मैं कोई स्किन केयर कुछ नहीं करता था अपने. उसको तो क्रीम लगाना भी पसंद नहीं था. मुझे ऐसा था कि वो होता है, चिप 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 होता है और ऐसे पसीना पसीना आता है, बहुत हैवी हैवी लगता होता है, तो मैं नहीं लगाता होता था. जो है ड्रॉप के लिए मैं गया दिल्ली 12th के बाद, और थिंग्स चेंज्ड. विटामिन सी मॉर्निंग मैं स्किन केयर भी करूँगा. अभी मैं सो के उठाऊँ, मॉर्निंग नहीं हो रहा है, 1 बज रहा है, पर स्किन केयर तो करना है. दिल्ली गया तो आई नेवर यूज टू हैव ऐसे पिम्पल वाला पिम्पल पीरियड से पहले, पर दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे ऐसे होने लगा. और फिर ऐसे और भी चीज़ों के मतलब ऐसे होने लगे मेरे पास छोटे 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 पिम्पल. तो फिर उनकी वजह से मैंने सोचा क्योंकि स्किन केयर इज़ अ थिंग जिससे मैं अपने पिम्पल वगैरह को ऐसे ठीक कर सकता हूँ. विटामिन सी 10% मैंने वापस से यूज़ करना शुरू आज के दिन से ही कर रहा हूँ. तो देखते हैं ऐसे 16% के बाद 10% वाला कुछ काम करता भी होता है या फिर नहीं. तो मैंने स्किन केयर में, तब मेरा पहला चीज़ था ऐसे, मतलब स्किन केयर के बारे में मैंने जानना शुरू किया क्योंकि क्या चीज़ होती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं और यूज़ करने चाहिए. तब सनस्क्रीन वाला मैंने अपनी साल के अपनी अपनी सारी उम्र में 20 साल तक अच्छे से सनस्क्रीन नहीं लगाया, 20 साल तक. हाँ, मैंने पिछले 2 सालों में ऐसे अपने स्किन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू किया. तो बहुत अच्छे से 1 साल में, ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छे से ध्यान तभी नहीं दे रहा था यार, मैं तभी भी ध्यान दे रहा था, पर तभी बात यह है कि तभी जो मैं ध्यान दे रहा था उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था. क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स थे, मैं जो यूज़ करता था, जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती थी, मैं वो प्रोडक्ट्स मंगा लेता होता था. तो अभी ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, काफ़ी सारी मार्केटिंग जिनकी भी होती है वो ब्रांड्स में मंगा लेता होता, क्योंकि वो ही दिख रहा है. और फर्स्ट जो साल था उसने तो और ही मतलब ऐसे प्रॉब्लम ही क्रिएट की. जब भी वो ऐसे प्रोडक्ट्स में मैंने जो भी है यूज़ किए उनसे तो और ही ऐसे ट्रबल हुई मेरे को. तो फिर मैं कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब मैंने तो फिर मैंने एकदम सब बंद कर दिया कि मेरे को नहीं करना है कुछ यूज़. अरे यार लिप बम कितने रखा है, ये रखी. फिर मैं इरिटेट हो गया, मैंने कहा मैं तो सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मैं बताता तो उधर दिक्कत किस चीज़ का हो रहा था. तो मैंने सब बंद कर दिया क्योंकि सेंटेड वगैरह प्रोडक्ट्स थे वो, मार्केटिंग उनका अच्छा होता है लेकिन इतना फॉर्मूला इसमें वियर्ड केमिकल्स, आई एम नॉट सेइंग केमिकल्स, तो सब फॉर्मूला केमिकल से ही बना होता है ना. जो अभी मैं यूज़ करता हूँ वो भी सब फॉर्मूला केमिकल से बना होता है, लेकिन वो ऐसे सल्फेट्स वाले चीज़ें, ऐसे फ्रेग्रेंस का मेरे को बहुत इशू है. मेरे को स्किन केयर वीडियो उठा के देख लो, फ्रेग्रेंस का मुझको रहा है. क्योंकि क्यों यूज़ करना है, मतलब क्यों खुशबू नहीं चाहिए है, काम चाहिए है जिस चीज़ के लिए, पिंपल के लिए, एक्ने के लिए प्रोडक्ट लिया है ना, एक्ने पे काम करो, खुशबू को मैं देख लूँगी. मैंने कहा ऑल टुगेदर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने कहा नारियल तेल लगाऊंगा. लेकिन फिर पता चला क्योंकि नारियल तेल भी अगर किसी को एक्ने होता है तो नारियल तेल उसको नहीं, नॉर्मल स्किन वाले लोग नारियल तेल लगा सकते होते. तो वहाँ पे भी गया और तब मैं जब मैं वापस यहाँ पे आ गया था लॉकडाउन में घर पे, तो पिंपल नहीं हो रहे थे एज सच, मेरे को पिंपल्स नहीं हो रहे थे. एक पिंपल होता था मेरे को बड़ा सा ऐसे, कोई यहाँ पे हो जाता था, कोई यहाँ पे हो जाता था, बड़े ऐसे. चलो उस टाइम पे मैंने चीज़ें यूज़ करना वैसे बंद कर दिया था और मेरी मम्मी सब ब्लेम उसको डाल रही कि तुमने चालू ही क्यों किया, लगाना ही नहीं चाहिए था, पहले स्किन कैसी थी, बढ़िया थी. अभी मैं क्या कहूँ कि जब क्या कर सकते हैं, अभी ख़राब थोड़ा और हो गया है. तो मेरे को लगा यार कुछ यूज़ करना बंद करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है. तो लेकिन फिर उसके बाद ना मेरी स्किन पे छोटे 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 दाने थे, मतलब वो बड़े बड़े वाले पिंपल होने भी बंद हो गए, अपने आप ही बंद हो गए थे वो. मेरी डाइट ऐसे सुधर गई थी बेसिकली, तो वो होने बंद हो गए शायद डाइट की वजह से.
और फिर उसके बाद ना छोटे छोटे ऐसे माथे पे जो ऐसे वाइट वाइट से दाने होते, वाइट वाइट नहीं एकदम वाइट नहीं थे मेरे, पर मतलब हाँ ऐसे बम्पी बम्प्स लग रहे होते थे वो, तो उन बम्पी बम्प्स के लिए फिर मैंने ना ऐसे अच्छी यूट्यूब वीडियोस देखी कि जिनका ऐसे साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले की ओके रिसर्च प्रोडक्ट जो वो लोग यूज़ कर रहे थे वो वाली वीडियोस मैंने देखी, और वहाँ से मेरे को चीज़ें समझ में आई कि ओके मेरे को ये चीज़ें एक्ने के लिए चाहिए हैं, ये चीज़ें ग्लो के लिए होती होती हैं, ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, और ये चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। मैंने कहा कूल, अभी मुझको ये चीज़ें पता है कि ये मैं सनस्क्रीन लगाया जा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी लगाई थी, तो मैं उसको और लगा रहा हूँ, और क्योंकि मैं बातें भी कर रहा हूँ तो फिर मेरे को समझ आया कि ओके ठीक है। फिर वैसा मेरे को एक ब्रांड ऐसे सामने आया, होंगे बहुत होंगे, मेरे कुछ मिनिमलिस्ट ऐसे सामने आया था उस टाइम पे, और फिर मैंने कहा ओके, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि वो लोग बोलते होते कि दे आर अफोर्डेबल, एकदम अफोर्डेबल देखो मिडिल क्लास के हिसाब से 500 रुपये का एक प्रोडक्ट लेना अफोर्डेबल होता है, लेकिन प्रायोरिटी सबका वो नहीं होता, मम्मी पापा लोग उसके लिए पैसे जल्दी से नहीं देते हैं, पर मेरी मम्मी का था कि हाँ ठीक है। मैं वैसे ही परेशान हो रहा था, मेरे को हो जाता है यार देखो ऐसे चीज़ों का इशू, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझको सोल्यूशन चाहिए होता है। तो फिर मैंने प्रोडक्ट मंगाए दो, सबसे पहले दो प्रोडक्ट मंगाए थे मैंने, सैलिसिलिक एसिड नायसिनामाइड फ्रॉम मिनिमलिस्ट ओनली, और इनके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन वगैरह पे। पर ये मैंने प्रोडक्ट मंगाए और 15 दिन में मेरे को अपनी स्किन में अंतर दिखने लग गया कि अरे पोर्स का मतलब वो जैसे छोटे छोटे बम्पी बम्प्स थे वो होने ऐसे कम हो गए थे मेरे को, और थोड़े टाइम बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गए, मतलब मेरी स्किन हेल्दी लगने लग गई थी मेरे को वापस से ऐसे, और फिर कुछ थमथम में वो ग्लो भी करने लग गई थी। हाँ अभी पफी पफी लग रहा हूँ, मैं सूख के उठाऊँ और मेरे को खुद को मैं दिख रहा हूँ, बट दैट्स फाइन। तो फिर उसके बाद मैंने और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए ऐसे मंथ बाय मंथ या 2-3 महीनों बाद कि ओके ठीक है अब ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता होता मैं, अब ये वाले प्रोडक्ट्स करके देखते होते जिन जिन चीज़ों के लिए वो थे, तो तब मेरा अच्छा खासा अब बढ़िया ऐसे कलेक्शन हो गया है उसका स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, और अभी बढ़ता है, अभी बढ़ रहा है वो, लेकिन कुछ मेरी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनसे मैं इधर से उधर नहीं करता होता हूँ, वो प्रोडक्ट का रेंज वो बढ़ रहा है मेरे में, और मैं और कंपनीज के प्रोडक्ट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि ओके ठीक है मैंने इस बारी मिनिमलिस्ट की चीज़ें इतनी नहीं मंगवाई जितनी उसी अराउंड में उसी सर्कल में जो ब्रांड्स हैं उनका, मैं कहूँ कि ठीक है इनका नायसिनामाइड ट्राई करके देखते होते हैं, इसलिए कैसे मंगवाया है इस बारी उनका रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा, और नायसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड पे अलग से वीडियो बनाएंगे। कूल, थैंक यू सो मच, दैट वाज फाइन, दैट वाज माय स्किन केयर जर्नी, और उसके बाद मेरी स्किन ना बहुत अच्छी हो गई, और मैं सोचा था अभी मेरी स्किन बेस्ट पे चल रही है, उसके बेस्ट बिहेवियर पे पिछले 6 महीनों से, 6-7 महीनों से, सुभान अल्लाह, टचोटे। और एक्सपेरिमेंट जब ही किया था तो अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे नहीं है कि कोई सब लोग जिसके जहाँ पे एड आ रही है जिस चीज़ की, ज़रूरी नहीं है ना कि वो एकदम बढ़िया हो, तो देख के इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के, मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के और क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है ये ज़रा एक बार देख के फिर चीज़ें खरीदें। थैंक यू सो मच। एक बार और बोलना चाहूँगा, देखो स्किन का इश्यूज होता है बहुत ट्रॉमेटिक होता है एक टाइप से अगर देखा जाए तो, किसी को लग सकता है कि ओ एग्जैजरेशन है, डोंट, नहीं, जिसको स्किन का इशू हो रहा है ना उससे पूछो, वो दिन और रात उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो कुछ भी करना चाहेगा, जिसका जितना बस में होता है वो इंसान सब ट्राई करना चाहता है कि उसका जो इशू है स्किन का, जाने दो हेल्थ का ही जो इशू होता है उसको ठीक करने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए होता है। तो अगर कॉन्फिडेंस आज कम लग रहा है और ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, स्किन है इंसान में थोड़ी कमी आ गया है, इट्स ओके, तो बी अ लिटिल काइंड टुवर्ड्स पीपल विद वट एवर कंडीशन दे हैव, बी काइंड, बिकॉज यू नेवर नो, यू आर, यू मे समटाइम्स बिल्ड समवन्स कॉन्फिडेंस
shatter it. You don't want to be the one to shatter it, no? Not that, not nice though. And we should do good things. Mona Lisa.